हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 5 दिसंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं सभी क्वेश्चंस रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जरूर बताऊंगा जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इसकी PDF दोस्तों आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, वहाँ पर ऑडियो रिविजन भी मिल जाएगा और वीडियो देखने के बाद आप लोग क्विजेज भी सॉल्व कर सकते हैं। एप्लीकेशन दोस्तों इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि क्विज में एक नया फंक्शन आने वाला है। क्विज में आपसे आपको रैंकिंग भी मिलने वाली है, तो अब से कंपटीशन आपका और भी बेहतर बन जाएगा। आपको क्विज देने के बाद आपकी रैंक भी पता लग पाएगी कि आपकी रैंक क्या है। इसके साथ ही दोस्तों क्विज में मैं आपको रैंडम क्विज देता हूं। तो रैंडम क्विज से होता क्या है कि आप जिस प्रकार से इस वीडियो को देखते हैं उस प्रकार से सेम सीरियल वाइज आपको क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो अब आपको रैंडम क्विजेज दी जाती है, तो इस वजह से आपका बहुत ही बेहतर तरीके से करंट अफेयर रिवाइज होता रहता है। ऑडियो रिविजन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रही है लेकिन आज से रेगुलर आएगी, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन अगर नहीं इंस्टॉल किए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था G20 शिखर सम्मेलन का भारत में आयोजन कब किया जाएगा, तो 2022 में आयोजन किया जाएगा भारत में, 17वां ये संस्करण होगा। अगला था मैक्स वर्स्टैपेन किस कंपनी के फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं, तो ये रेडबुल के ड्राइवर हैं, क्लियर है। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है इंडियन नेवी डे, ठीक है। इंडियन नेवी दोस्तों विश्व की 7वीं सबसे बड़ी नेवी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना वैसे तो हो गई थी दोस्तों 1612 में ही, ठीक है, भारतीय नौसेना की। अध्यक्ष की अगर बात करें तो करंट टाइम पर भारतीय नौसेना के अध्यक्ष हैं करमबीर सिंह जी। अब ये नौसेना दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ, तो दोस्तों 1971 में 1971 में एक बार हुआ क्या कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन नेवी पर अटैक कर दिया और इस वजह से उसके जवाब में इंडियन नेवी ने कराची के पोर्ट को ही तबाह कर डाला, ठीक है। तो जब 3 दिसंबर को उसकी रात को जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उसे इंडियन नेवी किलर्स नाइट के रूप में मनाती है, और जब 4 दिसंबर को उसके जवाब में इंडियन नेवी ने कराची के पोर्ट को तबाह कर दिया तो उसकी खुशी में इंडियन नेवी मनाती है नेवी डे, क्लियर है। अब ये तो इंडियन नेवी डे हो गया। 15 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे, ठीक है, आर्मी डे या इंडियन आर्मी डे। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक यानी ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने, दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं मात्सुगु अत्सावा को नियुक्त किया गया है ADB का अब अगला अध्यक्ष, ठीक है। करंट टाइम पर अगर बात करें तो ये जापान में जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे और जापान के फाइनेंस मिनिस्टर के ये स्पेशल एडवाइज़र हैं मात्सुगु अत्सावा, ठीक है। तो अब ये होंगे ADB के नए अध्यक्ष, लेकिन कब होंगे, अभी ये नहीं होंगे, ये 17 जनवरी 2020 के बाद से होंगे, ठीक है, 17 जनवरी के बाद से। क्यों, क्योंकि 16 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं जो ADB के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ताकेहिको नकाओ, ठीक है। इन्होंने घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी, मैंने आपको बताया भी था कि ताकेहिको नकाओ अब ADB के अध्यक्ष, इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो 16 जनवरी 2020 को इनका कार्यकाल पूरा होगा, इसके बाद से 17 जनवरी को बन जाएंगे मात्सुगु अत्सावा ADB के अध्यक्ष। किस नंबर के अध्यक्ष होंगे, ये 10वें अध्यक्ष होंगे, क्लियर है बिल्कुल। अब ADB आया है तो ADB के बारे में हम लोग क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं, तो सबसे पहले ADB के बारे में बेसिक जानकारी रखिए। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, इसका हेडक्वार्टर है मनीला में फिलीपींस में, ठीक है। इसमें टोटल 68 कंट्रीज हैं इसकी मेंबर, कितना, 68 देशों का, सदस्य देशों का ये एक संगठन है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। अच्छा, 2019-20 के लिए इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान भी इसने सबसे ज़्यादा यही बताया है, 6.5% GDP ग्रोथ रेट होगी इंडिया की, ठीक है। और सबने 6.3, 6.4 ऐसा बताया है, मैंने आपको इसके बारे में बताया भी था। चलिए तो अब ADB के बारे में हो गया, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है 7 दिसंबर 2019 को भारत चीन युद्ध अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 कहाँ शुरू हो रहा है, तो दोस्तों हैंड इन हैंड 2019 शुरू हो रहा है उमरेई मेघालय में, कहाँ पर, उमरेई मेघालय में ये शुरू हो रहा है। कब शुरू होगा, 7 दिसंबर को ये शुरू होगा और चलेगा 20 दिसंबर तक, ठीक।
ठीक है, किसके किसके बीच होता है, भारत और चाइना के बीच में होता है, हैंड इन हैंड अभ्यास, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये उमरेई मेघालय में शुरू होने जा रहा है दोस्तों, 7 दिसंबर से शुरू होगा, 20 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का ये 8वां संस्करण है, ठीक है, तो 8वां एडिशन होने वाला है। अब ये तो है दोस्तों सैन्य अभ्यास, अब पिछले महीने में कुछ और भी आए थे, उनको भी हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में चर्चे में आया था, मित्र शक्ति 7 इसका 7वां संस्करण, ये किसके किस बीच में होता है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, कहाँ पर हुआ, पुणे में शुरू हुआ है। इसके पहले दोस्तों समुद्र शक्ति आया था, समुद्र शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। इंद्र नाम का एक आया था त्रिकोणीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, वो भारत और रसिया के बीच में होता है, इंडिया एंड रसिया। टाइगर ट्रायम्फ का नाम आया था, वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, और बाकी के सैन्य अभ्यास आपको ई बुक्स में मिलेंगे, क्लियर। तो अब ये उमरेई मेघालय में हो रहा है, तो हम लोग उमरेई मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलांग, कॉनराड संगमा यहाँ पर नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं तथागत राय जी। देख लेते हैं कहाँ पर है मेघालय, मेघालय ये रहा इमेज में देख लीजिए, केवल असम से अपना बॉर्डर शेयर करता है ये असम राज्य से। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को, ये 21 जनवरी 1972 को भारत के राज्य के रूप में जुड़ा था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो मॉरिशस के नए राष्ट्रपति दोस्तों बन गए हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। अभी हाल ही में मॉरिशस की संसद ने दोस्तों सर्वसम्मत से इनको चुना है, पृथ्वीराज सिंह रूपन को, क्लियर है। ये कला और संस्कृति के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं मॉरिशस में, और अब ये मॉरिशस के नए राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, क्लियर है। अच्छा, अभी कुछ ही दिन पहले एक और न्यूज आई थी, जब प्रविंद कुमार जगन्नाथ बने थे मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रविंद कुमार जगन्नाथ अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं और पृथ्वीराज सिंह रूपन मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं, क्लियर है। अच्छा, मॉरिशस में भी इंडिया की ही तरह सब कुछ होता है, यानी कि प्रधानमंत्री जो होता है वही मुखिया होता है, और लगभग सभी पावर जो होती हैं वो प्रधानमंत्री के ही हाथों में होती हैं, और राष्ट्रपति जो होता है वो केवल और केवल संविधान का संरक्षण माना जाता है, ठीक है। यानी अगर कुल मिला जुला कर कहें तो राष्ट्रपति जो होता है दोस्तों वो होता तो सबसे बड़ा पद है, लेकिन जो मेन पावर होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, मेन डिसीजन प्रधानमंत्री लेता है, राष्ट्रपति केवल मुहर लगाने का काम करता है, क्लियर है। चलिए अब मॉरिशस आया है, तो मॉरिशस देख लीजिए मैप में, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बाद में है मॉरिशस, ठीक है, आपको दिख रहा है इमेज में। मॉरिशस की राजधानी होती है पोर्ट लुइस, और यहाँ की करेंसी होती है मॉरिशस रूपी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में कहाँ पर पृथ्वी 2 मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया, तो अभी हाल ही में चांदीपुर ओडिशा से दोस्तों पृथ्वी 2 नामक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया गया है, ठीक है। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है दोस्तों, और ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, यानी कि ये परमाणु हथियार भी ले जाने में सक्षम है। कितना, 500 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक का ये न्यूक्लियर वारहेड ले जा सकती है। इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया है, इसकी स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है इसकी पृथ्वी 2 मिसाइल की। अभी कुछ ही दिन में एक और पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ था, यहीं से हुआ था, ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इसी के साथ ही दोस्तों अभी APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से ही अग्नि 2 और अग्नि 3 का नाइट टेस्टिंग किया गया था, ठीक है। कहाँ से किया गया था, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, अग्नि 2 मिसाइल का और अग्नि 3 मिसाइल का पहली बार नाइट टेस्टिंग किया गया था, रात्रि परीक्षण किया गया था, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो पृथ्वी 2 मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया गया, चांदीपुर ओडिशा से। ओडिशा देख लीजिए मैप में, राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर। बीजू जनता दल पार्टी के नवीन चंद्र पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल जी। यहाँ की अगर नेशनल पार्क की बात करें तो नंदन कानन वन जीव अभ्यारण्य, सिमली पाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार, ये है उड़ीसा की राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। कहाँ पर है उड़ीसा, उड़ीसा ये रहा मैप में। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र के रूप में ये राज्य के रूप में जुड़ा। ये किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, इसके साथ ही ये आंध्र प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, क्लियर है। अच्छा, उड़ीसा में दोस्तों होने वाला है 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, 2018 वाला भी हुआ था, 2023 का भी होने वाला है, इसकी घोषणा हुई, इसका लोगो वगैरह भी लॉन्च किया गया है, क्लियर है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ADB ने किस राज्य के विकास के लिए $206 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में दोस्तों
एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तमिलनाडु राज्य के लिए 206 मिलियन यूएस डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, ये समझौता किया गया है तमिलनाडु में शहरों में पानी आपूर्ति हो गया, सीवरेज हो गया और सभी जो बेसिक डेवलपमेंट होते हैं उसके लिए ये समझौता किया गया है। तो एडीबी देगा तमिलनाडु को 206 मिलियन डॉलर का ऋण। ठीक है, अच्छा अभी कुछ ही दिन पहले किसी एक ने कमेंट करके पूछा था कि ये जो समझौता होता है उसकी धनराशि क्या लौटानी भी पड़ती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, समझौता दो प्रकार से होता है, एक तो होता है ऋण समझौता और एक होता है सहायता समझौता। तो अगर सहायता समझौता हो रहा है तो सहायता यानी कि सहायता कर रहे हो आप किसी कंट्री की या फिर किसी बैंक द्वारा आपकी सहायता की जा रही है तो किसी आपदा के दौरान या किसी अन्य कारणों से, तो वो तो सहायता समझौता हुआ, तो सहायता में क्या पैसा लौटाना। ठीक है, वो तो सहायता हुई। लेकिन अगर ऋण समझौता हुआ यानी कि लोन दिया जाता है, जैसे बेसिकली ये जो लोन होता है, ऋण समझौता होता है, ये मैक्सिमम केसेस में तभी होता है जब कोई बैंक देती है। ठीक है, किसी स्टेट को, किसी देश को बैंकों द्वारा मिलता है, जैसे वर्ल्ड बैंक दिया, एडीबी दिया। ठीक है, तो ये होता है ऋण समझौता, मोस्टली ये बैंकें देती हैं। तो जो ऋण समझौता होता है उसे लौटाना ही पड़ता है। ठीक है, तो जब तक नहीं लौटाओगे तो वो कर्ज बढ़ता जाता है। आप लोग सुनते भी होंगे, जैसे ही नया सरकार का कोई गठन होता है तो तुरंत न्यूज़ में ये चर्चे फैलने लगते हैं कि इस सरकार पर या इस स्टेट पर इतने करोड़ का कर्ज है, कैसे चुकाएगी, बड़ी चुनौतियाँ हैं, ये सब वगैरह। ठीक है, तो वो कर्ज ऐसे ही इकट्ठा हुआ रहता है, या तो कोई बैंक दिया रहता है या तो केंद्र सरकार वगैरह से मिला रहता है। तो जहाँ से भी जो मिलता है कर्ज, जो मिलता है ऋण समझौता जो होता है, उसके पैसे लौटाने पड़ते हैं, और जो सहायता समझौता है उसके पैसे नहीं लौटाने होते हैं। क्लियर। तमिलनाडु के बारे में देखिए डिटेल में, चेन्नई है यहाँ की राजधानी, ई के पलनीस्वामी यहाँ के हैं, करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित जी। मुदुमलाई अभ्यारण्य है तमिलनाडु में। तमिलनाडु कहाँ पर है? तमिलनाडु ये रहा सबसे दक्षिण में। ठीक है, सबसे दक्षिणतम छोर भी है प्रायद्वीप भारत का, कन्याकुमारी यहीं पर। ये भी 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था राज्य के रूप में भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पोषण एंथम का अनावरण किसने किया? तो अभी हाल ही में भारतीय पोषण एंथम का अनावरण किया है दोस्तों, इसको लॉन्च किया है एम वेंकैया नायडू जी ने, हमारे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति ने। ठीक है, 13वें वाइस प्रेसिडेंट ने भारतीय पोषण एंथम लॉन्च किया है, इन्होंने नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया है। अच्छा, इसे लॉन्च करने का क्या उद्देश्य है, क्यों ये लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, इंडिया का एम है कि इंडिया को, पूरे भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है, और इसके लिए इसे लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च करने से ये होगा कि भारत के कोने कोने तक एक म्यूज़िक टाइप का पहुंच पाएगा, लोगों तक मैसेज पहुंच पाएगा। ठीक है, लोगों के दिमाग में ये बैठ जाएगा। तो कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए ये पहल है एक प्रकार से। ठीक है, भारतीय कुपोषण एंथम लॉन्च किया गया है इसी वजह से। अब इस एंथम के सिंगर हैं दोस्तों प्रसून जोशी जी, और इसको लिखा है इस गाने को शंकर महादेवन ने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है इस सॉन्ग राइटर कौन है और सिंगर कौन है। तो सॉन्ग राइटर हैं शंकर महादेवन, सिंगर हैं प्रसून जोशी जी। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के नए सीईओ कौन बने? तो दोस्तों, अल्फाबेट के नए सीईओ बन गए हैं सुंदर पिचाई। ठीक है, अभी हाल ही में गूगल के जो अध्यक्ष हैं, गूगल के संस्थापक हैं सर्जेई ब्रिन, इन्होंने घोषणा की अब गूगल को दो सीईओ और एक अध्यक्ष की ज़रूरत नहीं है। तो अब से गूगल के भी यही सीईओ होंगे और अल्फाबेट के भी यही सीईओ होंगे। कौन? सुंदर पिचाई, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट के अब ये सीईओ होंगे, गूगल के तो ये पहले से ही हैं। क्लियर है, तो गूगल की ही पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट। पेरेंट मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना कि पहले कंपनी अल्फाबेट थी, फिर उसी से ही, उसी का एक टुकड़ा निकला, एक छोटी कंपनी, दूसरी कंपनी किसी दूसरे मकसद से बनाई गई, तो वो बनी गूगल कंपनी। गूगल की स्थापना दोस्तों सर्जेई ब्रिन ने और लैरी पेज ने की थी 1998 में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में वॉलमार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में वॉलमार्ट ने HDFC बैंक के साथ मिलकर के एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड होगा, इसमें भी 50 दिनों तक का की क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी, ड्यू डेट दिया जाएगा। चलिए अब दोनों के बारे में एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। वॉलमार्ट से शुरुआत करते हैं। वॉलमार्ट जब भी नाम आए आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को 77% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ठीक है, फ्लिपकार्ट की कितने में खरीदा था? 16 अरब डॉलर में खरीदा था, 77% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट की। इसके साथ ही दोस्तों वॉलमार्ट की स्थापना हुई थी 1950 में ही। इसके फाउंडर हैं सैम वाल्टन। ओके,
चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 में हुई, 1994 में हुई। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके एमडी हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी जी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सिख खेल 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय सिख खेल 2020 दोस्तों आयोजित होने वाला है नई दिल्ली में। कभी आयोजित होगा ये दोस्तों 9 जनवरी से शुरू होगा और 11 जनवरी तक चलेगा। 3 दिवसीय ये नेशनल गेम होगा, नेशनल सिख गेम, ठीक है, नेशनल सिख स्पोर्ट 2020। इस गेम में दोस्तों 10 राज्यों से लगभग 2500 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा लेने वाले हैं, 2500 से ज़्यादा एथलीट्स शामिल होंगे, ठीक है, नेशनल सिख स्पोर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हाल ही में पीटीआई के किस पत्रकार का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट दोस्तों भास्कर मेनन जी का निधन हो गया है। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं यही थे भास्कर मेनन जी, ये काफ़ी फेमस पत्रकार थे, ये पीटीआई के पत्रकार थे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, ठीक है। अच्छा, ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं विजय कुमार चोपड़ा, अभी दोस्तों पिछले महीने इनकी नियुक्ति हुई पीटीआई के अध्यक्ष के रूप में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और कल मैराथन का पार्ट 5 आ चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लीजिए मैराथन का पार्ट 5। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि जब आप वीडियो को शेयर करते हो उस पर व्यूज़ अच्छे आते हैं तभी उस पर उस सीरीज़ पर मेहनत करने का मन करता है, क्लियर है। तो आप लोग हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए रहिए, उत्साह बढ़ाए रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, राष्ट्रीय स्क्वैश टाइटल के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता। कल के अगर मैराथन वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली पता होगा। नेक्स्ट है बाल अधिकार सूचकांक 2019 में शीर्ष पर कौन सा देश है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग डिटेल में लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे में टफ क्वेश्चन इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों जिससे आपका पूरा ईयर वाइज भी रिवाइज होता चले, ठीक है। तो डिटेल में और जो भी पता हो आप लोग लिखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, नहीं पता हो तो सर्च करके लिखिएगा, लेकिन सर्च करके जरूर लिखिएगा। बात करते हैं हम लोगों के नाम के, जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके डिटेल में आंसर किए थे, उनके नाम हैं दिलीप ओडिशा, केशव कश्यप, स्वर्ण वर्षा, सोनिका भारद्वाज, मोबेरा खातून, सुजीत कुमार, कल्पना परिहार, अंजनी दुबे, सपना, मधु स्मिता, सुरभि गुप्ता, डेनिस, चंद्रशेखर चौधरी, अरविंद सागर और शुभम। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। सब्सक्राइब करके रखो दोस्तों चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करके रखो जिससे जैसे ही कोई नई वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही अगले दिन की करंट अफेयर की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।